नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विदर। चलिए दोस्तों, से शुरुआत करते हैं आज की। तो शुरुआत करने से पहले, अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले कहीं में बजाना बिल्कुल ना बोले। चलिए दोस्तों, आज मार्केट ऑफ रहेगा 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में। तो सर्वप्रथम हम बापू को और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी जयंती पर उनको नमन करते हैं। तो मुझे एक शेयर चूज़ किया मैंने आज की तारीख में, कि मुझे लगता है कि हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले समय में इसमें हम अच्छे रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। तो समझते हैं वो शेयर क्या है और क्या सही समय उसमें इन्वेस्ट करने का, ये भी समझते हैं। अब पहले उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बजाना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो ये 2 अक्टूबर है, तो ये मैंने अभी कंपनी की, ये देखिए मैंने कंपनी की वेबसाइट ओपन कर रखी है। तो कंपनी का नाम है गुजरात पपीवा पोर्ट लिमिटेड, गुजरात पपीवा पोर्ट लिमिटेड। ये कंपनी बेसिकली करती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती है, ये पोर्ट जो कंटेनर का काम होता है उसका वर्क करती है, ठीक है। ये तो ओवरव्यू है कंपनी का, अब सर्विस थोड़ी सी और समझ आते हैं उसकी। ये देखिए, डाटा सर्विस एंड API स्टोर, सर्विस लोकेटर, ठीक है, यूज़ पोर्ट इक्विपमेंट, सेल्स स्टाफ एंड स्ट्रिपिंग, ठीक है, मैरिन करती है, यानी काफ़ी चीज़ों पर वर्क करती है। कंपनी का काम यह है बेसिकली, बाकी क्योंकि छोटे समय में ज़्यादा नॉलेज तो बता नहीं पाऊँगा कंपनी के बारे में, बस ये ओवरव्यू है कंपनी के, इसमें ACT में कर, ठीक है। तो कंपनी का ओवरव्यू क्या, पोर्ट माइनिंग का काम है, डाटा सर्विस API स्टोर करना, ठीक है, ये भी कंपनी का काम है। ये कंपनी का ओवरव्यू है, कंपनी की वेबसाइट पर मैंने ओपन कर रखा है, ठीक है। तो ये कंपनी का ओवरव्यू है, बस इसके अकॉर्डिंग हमें समझना होता है कि कंपनी किस फील्ड के अंदर है, क्यों इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इसका फीचर क्या है, ये समझना हमें बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं आपको हमेशा वेबसाइट पर जाके कंपनी का ओवरव्यू समझाता हूँ कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। तो अब ये समझ लिया हमने कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, तो अब समझते हैं कि कंपनी का जो NSE पे कितना बिजनेस रहा है, यानी कि गुजरात पपीवा पोर्ट लिमिटेड का, ठीक है। तो पपीवा पोर्ट लिमिटेड का समझता है कि 1 अक्टूबर को क्या बिजनेस रहा, किस लेवल पर ट्रेड कर कितनी क्वांटिटी उठाई। ये देखिए 40% की क्वांटिटी डिलीवरी में गई है, यानी कि ये बहुत अच्छा पॉइंट होता है, यानी लोग इसमें इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, 40% की डिलीवरी उठाई गई है। मुझे लगता है कि इसमें ये बहुत अच्छा इंडिकेट होता है कि भाई काफ़ी लोग इसमें वो है कि इन्वेस्ट करके होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो 1 तारीख को भी लोगों ने 40% की डिलीवरी उठाई है, ये काफ़ी अच्छा है, यानी कि बहुत अच्छी बात होती है। किसी भी शेयर के अंदर 2500 पर डिलीवरी उठाने का मतलब काफ़ी अच्छी डिलीवरी होती है वो। आप समझते हैं इसका ओवरव्यू। तो ये मैंने गूगल पे गुजरात पपीवा पोर्ट लिमिटेड का ओवरव्यू ओपन कर रखा है, जिसको NSE पे GPPL के नाम से भी मिल जाएगा आपको। ये देखिए, तो गुजरात पपीवा का ओवरव्यू समझते हैं कि भाई ये गिरावट हुई थी इसमें 3.5% की, क्या वजह थी गिरावट की, ये भी समझते हैं 1 तारीख को। तो पहले इसका ओवरव्यू समझते हैं कि ये पहले ओपन होता है 110 रुपये पे, हाई मारता है 110.30 रुपये का, लो मारता है 106 रुपये का, ठीक है। इसका 52 हाई है 124, 52 लो है 81, यानी कि 52 हाई और 52 लो के बीच में ही है, यानी कि ज़्यादा ना तो इसका 52 81 से 82 से नीचे भी नहीं गया है ये, और 125 से ऊपर भी नहीं गया है, इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। या तो 125 को तोड़ देता तो अच्छे रिटर्न देगा, 200 तक के रिटर्न भी देगा आने वाले समय में ये। बाकी समझाता वो क्यों, पहले थोड़ा सा ओवरव्यू इसके फाइनेंशियली चार्ट पे देख लेते हैं क्या कर रहा है। तो ये मैंने मनी कंट्रोल की साइट ओपन कर लिया, पहले समझते हैं इसके बारे में इंडिकेशन क्या चल रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे जो टेक्निकल ट्रेंडिंग आ रहा चार्ट का वो वेरी बुलिश बता रहा है, ये एक इंडिकेशन होता है, ठीक है। तो इसमें हमें 100% बोल रहे इधर उसके बाय करिए आप, ठीक है। तो ये तो गुजरात पपीवा के अंदर सबको ही बोला हमें बाय करने के लिए, बट पहले अब थोड़ा सा हमेशा की तरह इस बार भी आपको समझाता हूँ, पहले हम इसके रिजल्ट थोड़ा समझते हैं अर्निंग के बारे में और रिजल्ट के बारे में। तो पहले मैं इसके ये पहले क्वार्टर बाई क्वार्टर समझते पल्लो। तो इसका रेवेन्यू देखते हैं क्वार्टर बाई क्वार्टर कितना आया था। ये देखिए, जून के अंदर इन्होंने कितना कितना रेवेन्यू जनरेट किया था, दिसंबर के अंदर 198 करोड़ का, वही मार्च के अंदर 193 करोड़ का, वही जून के अंदर 149 करोड़ का, यानी कि रेवेन्यू एवरी क्वार्टर डिक्रीज होता है, दिसंबर के बाद से घटता गया है ये, ठीक है।
अब इसका नेट प्रॉफिट देखते कितना हुआ था, तो दिसंबर के बाद से इसका नेट प्रॉफिट में भी कमी थी, इसलिए क्वार्टर वाइज रिजल्ट भी कम आया था, इसलिए इसमें ट्रेंडिंग ज़्यादा नहीं आया था। ठीक है, अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं, तो वो भी थोड़ा डाउनफॉल हुआ है, यानी कि मार्च के और दिसंबर के अंदर अर्निंग था इसका दिसंबर के अंदर 1.21 था, वही मार्च के अंदर 1.35 था, वही अब जून के अंदर 0.68 आ चुका है। ठीक है, तो ये जो मैं शेयर बता रहा हूँ आपको लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से बता रहा हूँ, बस इसमें आपको होल्ड करके पेशेंस बने रहना है, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको ये शेयर। मुझे लगता है कि इसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाले समय में अच्छे रिटर्न लेंगे इसके अंदर से। अब ईयर ईयर वाइज देखते हैं, तो पहले इनका देखते हैं कि भाई नेट प्रॉफिट रेवेन्यू कितना किया था उन्होंने। देखिए ईयर ईयर वाइज इनका रेवेन्यू सही चल रहा है। ठीक है, 2019 के अंदर 700 था, 2020 के अंदर इन्होंने 735 था, 2021 के अंदर इन्होंने 733, यानी 2 करोड़ का डाउन था, बाकी रेवेन्यू सही था, नेट प्रॉफिट भी इनका सही चल रहा है। एवरी ईयर 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 वाइज भी नेट प्रॉफिट में ज़्यादा वो नहीं, EPS भी सही है इनका। ठीक है, तो ये तो ओवरव्यू है इनका। इनका डिबेट कितना है, इक्विटी पे डिबेट 0 है इनका। और क्या इसमें अच्छी पॉइंट और क्या समझने वाली चीज़ें, ही देखिए इसमें शेयर होल्डिंग, देखिए इसके अंदर प्रमोटर के शेयर होल्डिंग 44% की है, FII की फॉरेन इन्वेस्टर भी इसमें इन्वेस्ट करता है। ठीक है, उसमें इसकी FII की कितनी है इसके अंदर 22% है FIIs, और DIIs भी 22 है, यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर की भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर की भी इसके अंदर, और फॉरेन की भी इन्वेस्टर से, यानी 22% है। और 11% किसकी होल्डिंग है पब्लिक की, तो ये भी एक इंडिकेशन होता है कि भैया म्यूचुअल फंड और बाकी बड़े बड़े इन्वेस्टर, यानी कि डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर भी इसमें इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, कुछ तो वजह होगी जो बाकी लोग भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये चीज़ समझने वाली होती है किसी भी शेयर के अंदर, किसकी कितनी होल्डिंग है शेयर की। तो कंपनी के प्रमोटर्स भी होल्डिंग करते हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, कंटिन्यू प्रमोटर्स की होल्डिंग सेम रही है। आप समझते हैं कि इसके चार्ट के अकॉर्डिंग क्या है, ये मैंने इसका डेली चार्ट ओपन कर रखा है, तो डेली चार्ट पे देखिए ये इसके अंदर जो ब्रेकआउट हुआ था, यानी कि डेली चार्ट पर ब्रेकआउट हुआ था इसका 28 सितंबर को, इसका देखिए इन्वर्टेड बुलिश कैंडल ट्रेड हुई थी, उसके बाद से इन्वर्टेड को बुलिश कैंडल ट्रेड हुई है, और बाकी 30 सितंबर को इसके अंदर हैवी वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई थी। तो 30 सितंबर के बाद जब इसमें हैवी वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई थी, तो निफ्टी एक तरीका आपने देखा, निफ्टी का सपोर्ट मिला, उसके बाद से इसमें गिरावट होने, इसमें प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई है। बाकी अभी भी इसका ट्रेंड अप ट्रेंड की तरफ है, क्योंकि आप समझिए, क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए ये वाला पैटर्न देखिए, यहाँ पे इस पैटर्न को समझने वाली बात है ये, और हैवी वॉल्यूम के साथ है सारा, MACD भी अब ट्रेंड की तरफ है, RSI भी अब ट्रेंड की तरफ है। तो ठीक है, तो ये चीज़ है थोड़ा सा इसके अंदर, थोड़ा सा हमें क्या करना है, हमें इसमें 100 रुपये के उस स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है। इसमें और गिरावट होगी, हमें इसमें 100 रुपये तक के लेवल के साथ, यानी कि आपको जब ये 105 से, यानी कि इस कैंडल से नीचे आपको ट्रेड करता देखिए, 105 से नीचे ट्रेड करें और 100 रुपये के बीच मिले, तो इसमें डेफिनेटली आप बाय करिए, और इसके अंदर बाय करके आप बने रहेंगे, और इसमें आप 100 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ बाय करेंगे इसको, यानी कि आप 99 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाय करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर ये पैटर्न जो बन रहा है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए वीकली चार्ट पे भी इधर बुलिश कैंडल है, यहाँ पे MACD पे ब्रेकआउट आ रखा है, RSI अब ट्रेंड की तरफ है। ठीक है, वीकली चार्ट पे भी ये है तो हमारे को 99 के स्टॉप लॉस के साथ, और ये 105 अगर इस कैंडल को तोड़ता है, ठीक है वेट एंड वॉच को देखना, इस कैंडल को डाउनफॉल करता है, तो हमें इसमें 105 से लेकर 100 रुपये के बीच में बाय करना है। तो इसमें जो पहला टारगेट जो मेरे को दिख रहा है इसके अंदर, क्योंकि देखिए इस कैंडल पे सपोर्ट लेगा, तो जैसे इस कैंडल पर सपोर्ट लेगा, इसमें जो पहला टारगेट मेरे को दिख रहा है वो दिख रहा है 110 रुपये का, 110 को तोड़ेगा तो 115 को तोड़ेगा तो 120। इन तीन टारगेट पर आप बाय करिए, पैसे साथ बने रहिए। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया हो, क्योंकि इस कैंडल के बाद ही सपोर्ट लेगा, क्योंकि यही हैवी वॉल्यूम के साथ कैंडल है, इस पे ही सपोर्ट लेगा ये। तो ठीक है, इस कैंडल का सपोर्ट लेने के बाद से ही ये, क्योंकि इसने क्लोज कितने पर करा, 107 पे, और ये कैंडल कितने पे बन रही है, 108 पे। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात होती है, क्योंकि ये बुलिश कैंडल यहाँ पे 108 के बनी हुई है, और यही कैंडल इसको पूरा कवर करेगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमें अगर ये गिरता है, इस कैंडल को तोड़ता है, तो इसमें हमें वेट एंड वॉच करना होगा, तो 105 से लेके 100 रुपये के बीच में बाय करना होगा। तो पहला टारगेट हमारा आएगा 110 का,
दूसरा टारगेट 115 का, तीसरा टारगेट 120 का। इन तीन टारगेट पे आप बाय करिए पैसा, और आप इसमें लंबे समय के लिए रखते हो तो 150 तक के भी लेवल आपको दिखाएगा। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।